अस्सलाम वालेकुम जनाब हाजरीन नाज़रीन सामी, बड़ी माफी माजरत के साथ हमको डीसी होना पड़ा था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी और प्रॉब्लम तो हम आदत पैदा लखनवी के बड़े खूबसूरत मकता था, क्या था वो अपना आलम में बैजात बदला हो गया, मिल रहा है मुझे जिंदगी का मजा नाते दर्द सबा गुफ्तगु भी यही मशगला भी हूँ। अभी कौन ना शरीफ मेरे बाबा की कंपोस्ट की आप नाम
Oh,
Thank you.
Thank you.
बाजाए सितम मैं चाहता हूँ जज्बाए गम मैं चाहता हूँ जज्बाए गम मुश्किल पास मुश्किल आ जाए मैं चाहता मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए क्या बात है। सैयद अहमद हुसैनी सैफुर रहमान सिद्दीकी साहब की देख रहे हैं, अब्दुल्ला अकबर सनेजा देख रहे हैं, अतन सलीम चिश्ती देख रहे हैं, एजाजुल शाह साहब देख रहे हैं, बहुत प्यारा बैट्स पटेल देख रहे हैं, बैट्स पटेल लंदन से देख रहे हैं। और बदुद्दीन कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सेम तर्ज अच्छा सेम तर्ज आपने देखी, बहुत शुक्रिया मोहब्बत आपकी बदुद्दीन। और सब खैरियत है लंदन में, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैरियत होंगे। प्लीज़ घर पे रहिए, हमारा इस कवाली विल नेवर स्टॉप का पैगाम यही है कि प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें, सेफ रहें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, सेफ रहें, अपने घरों पे रहें, अपने घर में महफूज रहें, क्योंकि जब तक आप अपने घर में हैं कोई भी बीमारी कोई वबा आपके घर में नहीं आ सकती जब तक आप खुद जाके बाहर उसको लेके नहीं आएंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपके घर में ही आपको सब कुछ मिल जाए। जय विमल कुछ सुना रहे आप क्या बात कर रहा है अभी भाई बना
Thank you.
क्या बात है, बुतखाना बना दे माशाल्लाह रहीम मुसलमान फैजल तजीद के रवा तुम तो भी मोहब्बत कहीं मुझसाना बना दे। जिया भाई को सलाम, जबरा मंसदी के आपको सलाम करें भाई सेम सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का उसका एहसान का। अभी हम आखिरी कलाम और चांदनी महल की चाय आ गई है तो आपको पता रंग भी आ गया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। चांदनी महल में चाय और हर जर्रे को संगे दरे जाना जा। अब हम आखिरी कलाम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आखिरी कलाम पेश करने के लिए मैं चाहूँगा अभी भाई आए हैं तो कल अभी भाई के जो दादा हैं मेरे उस्ताद हैं मोहतरम जनाब हाजी मंजूर अहमद खान नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी बरसी थी, तो आज अभी भाई से हम दरख्वास्त करते हैं कि हम आज उनकी गाई हुई कोई भी एक चीज़ जो आपको भी अच्छी लगती है तो हम उनको डेडिकेट करेंगे, उनको खराज अकीदत पेश करेंगे अपनी तरफ से आप सबकी तरफ से, क्योंकि वो उन चंद लोगों में से एक हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कव्वाली कायम है। तो अपनी असल शक्ल में आज जो हम लोगों को मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लोगों की वजह से मिली और इन लोगों की वजह से कायम है। तो आज उनकी बरसी के मौके पर हम उनकी बरसी आज अपनी इस आवाज़ दोस्त में, तो ये आवाज़ दोस्त जो है ये तमाम उन्हीं लोगों की बरकतें हैं, हज़रत मंजूर अहमद खान नियाज़ी जनाब, मुंशी रुद्दीन खान साहब जनाब, उस्ताद कव्वाल बहाउद्दीन खान साहब, इन लोगों की वजह से ही आवाज़ दोस्त हैं हम हैं आप हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने हमें उस मज़े से उस चाशनी से उस चस्के से कव्वाली की असल से रूशनास कराया। जब भी आज हम उसकी बात कर रहे हैं उसको रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज के प्रोग्राम का अख्तिताम हाजी मंजूर अहमद खान साहब की गाय भी कोई भी एक चीज़ अभी भाई से सुनेंगे और महफिल का अख्तिताम करेंगे। क्या मेरे दादा एक गज़ल गाते थे अपने वालिद के लिए, क्या बात अब्दुल रहीम खान आबिद के लिए, क्या बात वाह। अरे पामाल रह गुजर मेरा दराज़ है।
Thank you.
और उनका शुक्र है, उनकी शुक्रिया, उनकी मेहरबानी है, उनकी अता है कि उन लोगों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें, आज हमारे कानों में वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसको हम रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दर्जात बुलंद से बुलंदतर फरमाए, बुलंद से बुलंदतर फरमाए। आप लोगों से जो मैं शेयर करने की दरख्वास्त करता हूँ उसकी वजह व्यूज की लालच या लाइक की लालच या किसी की लालच नहीं होती। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमारा ये पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग आगे शेयर करेंगे, पसंद आएगी, डेफिनेटली वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मोहब्बत में शरीक होते जाएंगे। ठीक है जी, आज के इस एपिसोड का हम यहाँ पर अख्ताम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम स्पेशल एपिसोड इन मामलों में है कि बहुत दिनों से एक फरमाइश मुझे की जा रही थी कि क्या बात है शाह जी, तमाम लोग आ गए लेकिन अभी तक आपने सरकार अमीर पाका, सरकार अमीर खुसरो का कोई दिन नहीं मनाया। तो मैं सरकार अमीर खुसरो का दिन जरा स्पेशल तरीके से मनाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि सरकार की जितनी असनाफ हैं हम कम से कम 2 दिन या कम से कम 3 दिन तो रखें सरकार अमीर खुसरो पे। तो इंशाल्लाह ताला एक दिन फारसी, एक दिन सरकार के हिंदी कलाम और एक दिन सरकार ने जो असनाफ कव्वाली में तख्लीक फरमाई है उन असनाफ के ऊपर बात करेंगे, कोशिश करेंगे। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि सरकार में खुसरो की बनाई हुई असनाफ के ऊपर बात कर सकें, आपको उनसे रूशनासी या कम से कम आपको उसका फ्लेवर दिखा दें कि वो है क्या दरअसल में। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कल से सरकार अमीर खुसरो का दिन शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह कल 70वीं शरीफ भी है, तो इसलिए कल 70वीं शरीफ वाले दिन सरकार अमीर खुसरो का दिन मनाएंगे। इंशाल्लाह कल तक के लिए फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।